क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप बताइए क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए। सीनियर आर्टिस्ट से बच रही थी। ये कह रहे थे आपके आपके दरबार से बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। हाँ, मैं पहले अपनी कुर्सी ले लेती हूँ। हाँ हाँ ले लो। अच्छा, आपकी कुर्सी आज नया है। सुनील पाजी प्लीज। सुनील पाजी मैं गिरा सकता हूँ? मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। और ड्राइवर रिमूव योर कार, योर ब्लॉकिंग है। चला दिया क्या? चला दिया तीनों। यही तो शो के अलावा बाकी सब कुछ रहा है। सही बोल। यस। क्या कर रहा है? खाना खाया तुमने? नहीं। हाँ कि नहीं? गेम भी खेले आपने? हाँ। गेम भी खेले आपने? अरे गेम छोड़ो, बियर वाला काउंटर देखा ना? इधर मत देखो, ये सब नकली है, ये सब नकली है। अरे हमें ब्रीफ भूल गया था क्या? प्रोमो सबने देखे ना? हाँ। प्रोमो जिसके 1 करोड़ से ऊपर 20 हो चुके हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 60 था। वो ट्रेलर कहते थे, प्रोमो कहते क्या कहते थे? क्या लोग भी तो चुकी मैं आ तो सन्नाटक में भाई गेरा फॉर द ग्रेट। कैसा महसूस हो रहा है कि आप गेस्ट हैं इस और इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ? ये आपको भेजना हमें आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब जानते हैं इस शो को आपने जो शेयर बहुत प्यार दिया है, और जैसे बोलते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी आप सबकी ग्रोथ होती है, होनी भी चाहिए। सो इस बार ये जब मैंने अपने शो का ट्रेलर देखा, मुझे भी बड़ा लगा यार बड़े महंगे आर्टिस्ट लग रहे हैं हम लोग। थैंक यू नेटफ्लिक्स। अभी जो भी आप पाने जी से मिले, ये जितनी क्यूट है ना, ये उतना ही हमारे डायरेक्टर की गर्दन रोड़ के रखी है। तो बट हाँ, सबकी सबकी इंटेंशन जो है वो यही है कि सालों से हम लोग आप लोगों को हंसाते आ रहे हैं, और इस बार और बेहतर हो हमेशा हमारी कोशिश रहती है। और सच में बेहतर हुआ भी, और बहुत बेहतर हुआ है, क्योंकि मैंने तो सारे एपिसोड देखे हैं, आपने तो सिर्फ ट्रेलर देखा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे आपको मज़ा आएगा। तो वो पैसे ही आप प्यार देते रहेंगे जैसे आपने इतने सालों से हम सबको दिया है। पैसे में इतने उतावले हैं और ललचा रहे हैं आप, हमें 30 मार्च का बेसब्री से इंतजार करें। फिर तो सर आपने इतने सारे शोज किए हैं, देश विदेश के टूर्स किए हैं, तो आपने कभी सोचा था कि नेटफ्लिक्स पर आपके पूरे परिवार के साथ शो होस्ट करेंगे? हाँ जी, बात करके गया था मैं अमेरिका। मुझे पता था। देखिए, हर किसी का एक सपना होता है कि हम लोग हर बार कुछ ना कुछ और यू नो एक एक फैदर ऐड हो हमारे काम में। सो नेटफ्लिक्स की ये जो खासियत है, इन्होंने इस शो की अगर आप देखें इच एंड एवरी थिंग आपका, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ले लें, इतने डिटेलिंग और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से, मैंने भी कभी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सो अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल हमारा सौभाग्य है कि हम लोग वर्ल्ड वाइड इस शो को लेकर आए हैं। सो थैंक्स टू नेटफ्लिक्स। प्रोफेसर आज ना मीडिया लेट आया, खबर छापो हमारे हमारे कपड़े छापते थे। मैं खुद जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाथरूम होके आ रहे। मुंबई का ट्रैफिक सबसे अच्छी बात है, जिसकी हुई है उसको ही नहीं पता।
कहाँ से आए आप? घर गर्मी से। वेलकम भाई, वेलकम। कृपा जी, यहाँ पर हमारे सारे जो है मीडिया के दोस्त हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स भी हैं, और अच्छा सीरियसली फैमिली मेंबर्स भी आए हैं। स्पेशल बात है। सो प्रेस के कितने लोग हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। एंड देन जो आपके साथ प्लस वन आए हैं, जो फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उन्होंने पहले साथ में खड़े कर दिए। हां, उन्होंने साथ में बाकी सारी प्रेस है। नहीं 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 है लाइव है क्या है सर? नहीं नहीं है ही नहीं। आप क्या भी ऐसे करते हैं? सर यहाँ पे हमारे फैंस जो है उनका नाम है कपिलियंस। अब हम अपने आप को कपिलियंस बुलाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे हाउस में कहाँ है कपिलियंस? ऊपर 14 लोग आए हैं। जिसके विनर्स आज हमारे साथ है, तो उनमें से कुछ नाम मेरे पास है विनर्स के, जिनको सही सही पॉइंट पर जवाब मिला, तो लकी विनर्स को मंच पर बुलाते हैं। उनके लिए एक स्पेशल सरप्राइज था। वो सरप्राइज ये है कि कपल द ग्रेट इंडियन कपल शो के पूरे परिवार के साथ एक फोटो। सो आप इजाजत हो तो प्लीज आ रिक्वेस्ट जी, और प्लीज सर प्लीज वैसे मैं नाम लेता हूं। अरे दरवाजे से नाम लेता हूं, प्लीज मंच पर आ जाइए। प्लीज स्पिन द व्हील के विनर्स के नाम है वैभव कक्कर। लोग इधर आए हैं जो बीच में ब्लैक शर्ट में टीचर में बैठे हैं, आप तो डर नहीं है पर हाथ जो ऊपर है नहीं आ सकते इसी का इजाजत से।
सिक्योरिटी रहता है ना, लोग बस में आते हैं ना जब देखने, या अमिताभ बच्चन दिखेंगे या कोई, वो देख के ऊपर अर्चना जी को चले जाते हैं। गेम खेला जाए यहाँ पर फैंस के साथ, अगर आप आना चाहेंगे ओके, तो हम 6 फैंस को मंच पर बुलाएंगे, हम करेंगे चाइनीज विस्पर्स। कपिल शर्मा जी आप एक सबको हेडफोन दिए जाएंगे, सारे जो फैंस यहाँ पर आएंगे आप उनको एक कुछ भी आपको जो मन में आए बोल दो। आप सबने गेम देखा है ना, वो हेडफोन पहनकर एक जुमला बोलते हैं, फिर आपको गेस करना पड़ता है कि हमने क्या बोला है ना। हाँ फैंस और मीडिया में से 5-6 लोगों को यहाँ पर बुलाएंगे। चंदू भाई मीडिया से, श्रेयस आ गए मीडिया में से बताओ। ये मैं आपकी मदद कर देता हूँ, प्लीज सेटल आउट कीजिए। ओके प्रिपेयर रेडी अप, अदरवाइज आई एम सीइंग दैट उलिकल हो गए आफ्टर दिस। या एब्सोल्युटली प्लीज कभी बात इतना चीज प्लीज
मैं आपको कपिल वाणी बोल के मेरे मंच पे आके मुझे डायरेक्ट कर मुझे बता रहा है तो मतलब आप तो सब देख रहे सबको ओके सिंपल से सर ये वार्ड पाएंगे कुछ एक लाइन कहेंगे उनको रिपीट करना है और यही बात आपको उनको बतानी है फिर आपने टर्न होना है इनको बतानी है बात नंबर कैसे बनता है न्यूज कैसे बनती है ये यहाँ पर देखें राइट मेरी तरफ देखना हाँ जी अभी आपको मेरी आवाज आ रही है आइए ऐसे बताएंगे इस तरह देखो हमारी तरफ हमारी तरफ हमारी तरफ हेलो एक्शन उधर कैसे सारे और सुनाओ अब कौन सी अब वही तो नहीं आनी यहाँ से हमारा बाइक इधर मुंह किया हुआ है आवाज आ रही है आपको इनकी आवाज आ रही है बोलो कुछ बोलो कुछ हेलो 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 आ रही तो उनका नाचने का मतलब है आओ मर्दों की मल्ली का शराब पीना है मेरा शुरू करना है मुझे तो कुछ नहीं ना अभी कवर नहीं लिया अभी मेरे ये बड़ा यंग लड़का है अभी मुझे तो कुछ नहीं है ओके रेडी चार दिन की चांदनी पीछे पड़ गई सांडनी वही तो नहीं आनी चाहिए जोरदार तालियां फॉर बीइंग अ स्पोर्ट थैंक यू सो मच
जानते जानते ये अब आपको पता चला ना सोसाइटी में गॉसिप कैसे फैलती है। चाची कुछ बोलती है दूसरी वाली बिल्डिंग की चाची कुछ और पकड़ लेती है। ओके थैंक यू वॉलंटियर यू कैन हेल्प अस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक जैसी करनी वैसी करनी अब ये इन्होंने इनके साथ अभी चाइनीज में करा राइट तो अब व्हाई डोंट वी टर्न द टेबल्स एंड व्हाई डोंट वी गेट द कास्ट छत पे जितना था
भी हेडसेट निकालो, उतार दो उतार दो उतार ये मंच पे जितना था सब ले गया पोजीशन पे यहाँ पे खड़े फिर भी कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे पता है क्या वापस छत पे जितना था सब ले गया क्या आपने बोला आपसे ये बोला इन्होंने जान तेरी टोटल तेरे से मर गई ये बोला था मैंने बोला था वाइन की बोतल में रोकन भरता हूँ मुझे लगा कह फैंस ने बोला तुम फिर भाग जाओगे फैंस कहीं नहीं भागेंगे सुनील का भी आपने क्या सुना मैंने बोला नहीं समझो हटते ठीक है ना मैं नहीं भागूंगा फैंस गई ऑफिस उसने बोला आज से मैं दूध नहीं पनीर भैंस गई ऑफिस उसने बोला आज मैं दूध नहीं पनीर ये नेटफ्लिक्स के होता होगा ऐसे भैंस गई पढ़ी लिखी दूध देती हो इस चाइनीज इज रियली अमेजिंग हम तो नहीं खेलेंगे हम अभी आते तक नहीं खेलेंगे खेलेंगे इतने लोग हैं बाहर बाहर से प्लेयर लाते हैं चाइनीज विस्पर में पता चल गया कि बात कहां से कहां है ऐसे फैल जाता है मुद्दा कुछ और होता है लेकिन बाय द एंड ऑफ इट इट्स समथिंग एल्स यस पर आपको पता है 30 मार्च से हर शनिवार की रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर ये तो सही 100% सही ऐसे ही है एंड 100% एंटरटेनमेंट की गारंटी भी है तो चलिए गारंटी लेने वाले जो हैं उन्हें दोबारा मंच पर बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि 30 मार्च को स्ट्रीम होने वाला फर्स्ट एपिसोड के बारे में तो प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर वेलकम बैक तानिया बामे पिछले आधे घंटे में 1 करोड़ से लिटरली 2 करोड़ पहुंचे पर ट्रेलर ने ऑलरेडी तहलका मचा दिया यहाँ पर भी तहलका मच गया है इतने सारे सेलिब्रिटीज हमने पहुंचा देखी है ट्रेलर में पर हम ना द नेशन नीड्स टू नो के पहले एपिसोड में कौन से सेलिब्रिटी हम लोग सेलिब्रिटी नहीं मानते तुम लोग अरे अरे भाई कौन उसका एपिक कर रहा है यार To for this amazing comedy family, India's first comedy family, we thought ki Takkar ki first guest honi chahiye. So it is the first family of Bollywood, the Kapoor family. फैमिली वाले हैं और पपुलेंस भी हैं तो उन्होंने हमें शो के पहले हमने कहा था कि अगर कोई सवाल है पूछना चाहते हो तो प्लीज लिख दो एक कागज पर एंड उसका एक कैन आई हैव द फिश बोल प्लीज अच्छा द क्वेश्चंस आर प्रेस सिक्स क्वेश्चंस देयर हां हमारे लिए के दोस्तों से सवाल है जो हमने एक फिश बोल में डाले और डॉक्टर नेम राइट करनी है मैंने विश ऑर्गेनाइजेशन कुछ चुनिंदा सवाल से कुछ चुनिंदा सवाल और कुछ नहीं आपको वैसे फिश बोल आता तो थैंक यू
मेरी मछली खा दो। राजा नाई गया मंच पे है और तू भी पक्का है। अरे अरे मैं काफी दबिया था। थैंक यू। ओके शुरू करें। चला जा आप असल चला। इन से ना बिल्कुल। अच्छा पहला सवाल अर्चना जी। क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दावास कोच फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। आप जहां कहीं भी हो तो खड़े हो जाएं या वेव आउट सो वी नो किस सवाल। या हाय दावास कैसे हो? थैंक यू। एंड अर्चना जी सवाल ये है कि योर एसोसिएशन विद कपिल गोज बैक टू ग्रेट इंडियन डेज। How much has Kapil changed over these years? Thankfully, बिल्कुल नहीं। Because जितने level पर ये comedy पहले करते थे, I think थोड़ा बड़ी है तो वो ही change आया है। And यही खासियत है Kapil की कि जिन route से Kapil आया है ना, वो ही इसने बरकरार अपने मंच पर भी रखा है। इसका दिल वैसा ही है, मतलब ये छोटे शहर का, इसका दिल छोटा नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। And जितना मैं जानती हूँ Kapil को, थोड़ा ज्यादा ही जानती है, ऐसा नहीं बोलती, लेकिन ही हैज नॉट चेंज्ड। सॉरी व्हाट्स योर नेम? इज़ इट नवाज? सो नवाज, योर क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू जस्ट हिज पब्लिक पर्सोना और टू यू नोन हिम ओवर द इयर्स? हां, मुझे नहीं लगता कभी बिल्कुल भी चेंज हुआ है। और अच्छा वो चेक नहीं, बट एक्चुअली फ्रॉम माई हार्ट आई से दिस, ये बड़ी मजाक उड़ाता है मेरी, लेकिन वहाँ तब भी उड़ाता था जब हम दूसरे शो कर रहे थे। एंड हमारे बीच में इतना म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है, वो पूरी टीम को अप्लाई करता है, दैट नथिंग एवर, जैसे होता है ना कि आप एक साथ बहुत साल तक काम करते हो और आपको लगता है हल्का सा 19-20 यू नो देयर इज अ राइवलरी, देयर इज सम काइंड ऑफ अनबन या हल्का सा पुश एंड पुल, वी हैव नथिंग ऑफ दैट। और ये Kapil की खासियत है एक्चुअली कि देर इज नो नेगेटिविटी ऑन द सेट्स, एंड हमारे जो बीच में जो प्यार है वो पहले भी था और अब भी बरकरार है। और जैसा कि मैंने बोला, छोटे शहर का जो ये एक एलिमेंट लेकर आया है विच अपील्स टू द एंटायर कंट्री, सो ही हैजंट चेंज्ड एंड आई लव फॉर हिम हैज चेंज्ड। And his groundedness, his humility is seen through and through every time we see him, right? Yes or no? Next question is coming in for Tanya Yu, and he's from a fan, and he's asking, when did this first come to your mind, the idea of bringing Kapil Sharma show on Netflix? The day I joined, but it took very long. But I started small. Pehle special kiya. The special was also super special because pandemic ke beech mein comedy special shoot karna, wo bhi Andy Valley with a live audience, it was you know commendable. But sabko pata tha Kapil, at least mujhe lagta hai aapko bhi pata tha, ki we were building up to something more. You know, but Kapil had his commitments and we were trying to find a window, and the intention was always to do a lot together. Kapil is such a special talent. You know, I wouldn't say he's not just a comic. He's a performer all over, and I think that's the joy of Netflix, that we actually are able to take you know, all of these wonderful talents, all of these wonderful pieces of content that we create from India to the world. And I think nothing makes me, and when I say me, I mean all of us at Netflix, nothing makes us more proud to take this reputed show, this absolutely lovely gang, to the world for them to all experience this absolute madness, which will come week on Netflix on Saturday at 8 o'clock. Thank you, Tavya. Thank you, Netflix, for this. Question is coming in for Kapil sir and Vaibhav Thakkar. Wherever you are, Vaibhav Thakkar. Yeah, hi, Vaibhav. Hi. Vaibhav, aapka sawal hai. Itna bada sawal. Email. Sir, aap Netflix pe aa rahe ho, so aap doctor ki prescription hai, thodi time lagega mujhe. Aap Netflix pe aa rahe ho, so aap 6 प्लस प्लेटफॉर्म और चैनल्स पर काम कर लिए, आपकी टीम भी सुपर 6 की है, आपने ट्वीट किया था आप तक 6 डिजिट्स में करते हैं, और आपकी बर्थडे 2 अप्रैल और
देखो पहले आप पिछले सालों में अगर आप मुझे देखो तो मैं और थोड़ा हेल्दी हुआ करता था, तो मुझे लग रहा है जब ऐसे काम चल रहा है तो क्या जरूरत है। नहीं पर मैं अगर ऐसे कभी कोई ऐसा काम किया जिससे मुझे जरूरत होगी सिक्स पैक निकालने की तो ब्रो आठ निकाल के दिखाऊंगा मैं, ऐसा भी होगा। अगला सवाल है कीकू के लिए, इट्स कमिंग फ्रॉम पिंक विला, एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पिंक विला, हाय देयर, हाय पिंक विला। और उनका सवाल है, व्हाट इज दैट वन thing that keeps you going and still makes you want to be a part of Kapil show even after so many years? Primarily, it's really good food served when that's not to mention the mula. Yeah. Mobi. But see, I've been around for quite a while and I've thoroughly enjoyed the process and every time we brainstorm ke kuch naya karte hain, kuch alag karte hain. So you keep exploring new things and Mr. Sharma is at it all the time. Matlab, when we discuss scripts, mere liye sabse khushi ki cheez ye hoti hai jab hum ye episode banane ki taiyari kar rahe hote hain. Itna maza aata hai, matlab mujhe bhi lagta hai mujhe life mein aur kahin itna maza aaya hai. When you're discussing jokes, you're laughing through the day, matlab isse behtar zindagi aur kya ho sakti hai. Absolutely. कृष्णा सवाल ये है कि इस बार शो में आपका क्या अंदाज होगा, कौन कौन से अवतार में आप नजर आओगे, सबको एंटरटेन कौन नया करेंगे इसलिए मैं फिर से लड़की बना। नहीं, जनरली इस बार हम लोग कैरेक्टर्स पे बहुत बैठे हैं, हम लोगों ने प्लान किया कि वी शुड डू समथिंग डिफरेंट। हर एक एपिसोड में आप हमारी बहुत वैरायटी देखेंगे, खासकर मेरी भी, कीकू भाई की भी, हम लोगों ने ज़्यादातर एपिसोड साथ में किए हैं तो बहुत सारी वैरायटी है। आप इनिशियली आप जब पाँच सात एपिसोड देखेंगे तो हम अलग अलग अवतार में आ रहे हैं जो हमने इससे पहले कभी भी टेलीविजन पे नहीं किया, ये तो जेन्युइन है। तो इट्स गोना बी नाइस, समथिंग न्यू फॉर यू। बहुत कम चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने कुर्सी पर बैठकर नहीं देखा इनको करते हुए, इनको परफॉर्म करते हुए characters, you know, so I'm very used to seeing them in new avatars, but really in this season I have seen them perform some amazing characters. Jitna concentration aur attention to hamara hamesha content par raha hai, ab ki baar to jo vesh bhusha, jo complete look tum logon ne change karke hamare samne pesh kiya hai, it's absolutely amazing. And aap log dekhenge jab aap episode dekhenge, that is an amazing array of characters that you guys have put in. देखते हैं वो इतना ही होता है, उसके पीछे इट्स अ विलेज दैट पुट्स टुगेदर द एंटायर थिंग, सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वाज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग अस दिस शो, लेट्स पुट आवर हैंड्स टुगेदर। यू नो देयर आर हाउ मेनी पीपल हैव पुट दिस शो हाउ पुटी टुगेदर, आई विल कन्फेस वी टेक आवर टाइम टू मेक आवर शोस इन नेटफ्लिक्स, बट दिस वन हैज बीन ऑन लाइक ऑन स्पीड फ्रॉम द सेकंड वी सॉर्ट ऑफ थॉट ऑफ गोइंग टू इट। So I really want to thank, first of all, Anukal, Ashurana and thank you to Anukal and his amazing, amazing writing team, Lakha, Hira and everyone who's a part of it. It's a team of 40 plus writers, Anukal, correct? Wow. थोड़ा सा कम, ठीक है 38 10-12 ही है, सही बात है, रिश्ता
Being you, Gurjot, Akshit, aap dono ke bina, you know this would have not been possible. Thank you so much for this. Sol, they put this whole, their expertise and you know, they made this show look so good. Thank you for everything that you and Kamla and Fazila. Thank you to the whole team who's putting this together. And a special shout out to my team, Swati and the Mori Chandri. This show has been an exercise and you guys have done your best. Thank you so much. I want to add something to that. Comedy, kisi bhi content mein jo writers ka haath hota hai, wo bahut bada hota hai. Khaas taur se comedy mein. Main hamesha sochti hu ki agle episode mein aisa kya karenge? Ya main kab se soch rahi hu? Agle episode mein kya karenge jo aapko phir se hansayega, phir se gudgudayega. The most difficult task है कि आप कॉमेडी के लिए लिखें. दीज ग्रेट दिग्गज, ये लोग तो उस पर इम्प्रोवाइज करके चार चांद लगाते ही हैं, लेकिन जो हमारे बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है हमारे शो की, वो है हमारे राइटर्स. Amazing. और मुझे ये बाकी राइटर जो हमारे हमारी टीम में शामिल नहीं है, उन्होंने बोला है कि अर्चना हाउ डू योर राइटर्स डू इट. सो अनुकल बाकी राइटर्स जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं वो ये कहते हैं कि आपके राइटर्स कैसे करते हैं. एंड लिटरली सो मेनी इयर्स आई फील कैसे करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हमें एंटरटेनिंग करने के लिए, हमें सबसे बेहतरीन कंटेंट देने के लिए, लिखने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया एंटायर टीम अनुपम सर आपको भी. थैंक यू. अब थोड़ा पूरे जर्नी की बात करिए, इतना सारा ग्रेट कंटेंट हमने हमेशा देखा है आपकी और कपिल पाल जी की जो है, इतना सारा ट्रैवल करते हैं आप सर, इतने सारे शोज करते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसे जर्नी पे दोस्ती और इस दोस्ती का ये सब लोग इतना नजायज फायदा उठाते हैं कि उसके नीचे मेरा टैलेंट दब गया. तो जब तुम्हारा ना टैलेंट दब गया, देखो इससे बड़ा आदमी क्या होगा. तुमने नेटफ्लिक्स ने संभाला, मैं नेटफ्लिक्स से संभाल के बैठा हूँ. नहीं नहीं, लेकिन सच्ची बात है कि दोस्ती तो है ही, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर जगह पर कहता हूँ कि बचपन से हम कॉमेडी के स्पेलिंग सी से सुनते आए हैं, लेकिन ये शख्स है जिसने आके कॉमेडी के स्पेलिंग सी से चेंज करके आज अगर किया जाए तो के से होंगे. अब आपको पता चला पोस्टर पे क्यों है इतने पोस्टर लगाए थे मेरे हर जगह पे, मुझे बैक से लोन मिल गया. थैंक यू. लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि पोस्टर उतरने से पहले रूम चुका भी नहीं. हमारा मामा नहीं है ना तो आगे ये सबूत है. और मैं बोलना चाहती थी पहले, ये पंचलाइन बोलने से पहले मैं राजीव के बारे में बोलना चाहती थी कि कई बार मुझे मुझ पर यह आदत लगा कि इसमें सिर्फ आठ नंबर देती थी, लेकिन ये एक शख्स है जिसका ऑन स्टेज प्रेजेंस इतना माइंड ब्लोइंग है कि लाइव स्टेज पर इसका जो इम्प्रोवाइजेशन ऑन द स्पॉट होता है वो काबिले तारीफ है. थैंक यू. आखिरी सवाल है जमीन पर. 6 साल बाद ये ग्रैंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है, इस भरत मिलाप के बारे में दिनेश नीड्स टू नो प्लीज. एक्चुअली आप लोग जब फ्लाइट में बैठे हुए थे वैसे ही 6 साल पहले तो हम लोगों ने, हमको ऐसा था कि अभी नेटफ्लिक्स इंडिया में आ रहा है तो कुछ ऐसा करो कि पब्लिसिटी स्टंट हो शो के लॉन्च के लिए, तो एक पब्लिसिटी स्टंट था. आप जो आउटडोर में शूट कर रहे थे काफी वेब सीरीज है यस मे बी था, बाहर एसी भी लगा होता. मेरे सवाल पूछ रहा है मेरे दिमाग में कब आया वो ख्याल उस फ्लाइट की पहले. तो
तानिया का फोन आया कि क्या कर सकते हैं पब्लिसिटी के लिए। ओके, ऑल्सो गर्मी भी बहुत है बाहर, यहाँ पे एसी सेट अप करना, दूसरे शोज में फिक्शन में आपको बाहर छूट करना चाहिए। भाई आपने गर्मी बढ़ा ली है, वो भी बताओ उसकी किस्तें भी हैं। ऑलवेज हैज बीन अ डिलाइट टू बी पार्ट ऑफ द शो। जैसा इकू भाई कह रहे थे कि दुनिया में एक जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो काम लगता नहीं, वो हम ब्लेस्ड है और मैं अपने आप को इससे ब्लेस्ड महसूस करता हूँ। आई एम बैक होम और हंसते रहते हैं सारा दिन और वही हंसी हम लोग स्टेज पे जाते हैं, वही लोग हंसे होते हैं बातों पर जिनको बनाते हुए सारी क्रिएटिव टीम और लोग हंसे होते हैं। सो आई हैव माई ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। तो हमने थैंक यू बोल दिया कि यू नो दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस, बट देयर आर सेवन मोर पीपल ऑन दिस स्टेज हु हैव एडेड द मैडनेस, हु ऑलवेज डू दैट। लाइफ इज एन एंटायर बैंक्वेट। और बड़ी सारी चीजें मैं जैसे हमारे कॉमेडी शो में लोग एक के बाद बोलते हैं म्यूजिक का क्या काम, आपको पता है हमें थोड़ा बहुत शौक है, हम लोग नाचते गाते रहते हैं, लेकिन ये सारे इतने टैलेंटेड लोग हैं, ये इनका बड़प्पन है, उनसे प्यार भी है, ऑब्वियसली पेमेंट भी होता है पर ये इतने सुरीले कलाकारों के साथ काम करने वाले लोग हैं। जैसे मैं अगर राज जी की बात करूँ, राज जी इतने सीनियर म्यूजिशियन है हमारी इंडस्ट्री में कि अभी अमेरिका टूर कर रहे थे तो बातें बातें कर रहे थे बैठ के, तो फिर मैंने राज से पूछा, मैंने राज जी आपने आर डी कपूर साहब के साथ इतना काम किया है तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मुझे बोला मेरा पहला ही गाना जो था वो था डाउन फिल्म का बच्चन साहब की अरे दीवानू, ऐसा हो गया थोड़ा मजेदार। हेलो अच्छा
अरिजीत के पहले एक सेल्फी लेते हैं, सेल्फी तो क्या मैं वरुण वरुण सर आप याद करिए सारी बात वरुण को यार This picture is with all of you. So, even the best pose, let's have. Yeah. Should we stand or are they sitting only? Stand, stand. Sitting, sitting, sitting. Sitting, sitting. Varun, okay? Sanjay, okay? Hey, move the camera. They can't see. Above, above, above. 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 अरे बैठ जा यार अरे फोटो क्या काम है मनोज बैठ मनोज बैठ के ले डन उसका हो गया टाइम उसका कपिल भाई जी और ये है हमारे सुनील पाली आपने आपकी आवाज में Yeah.
अभी देर क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि शो 30 तारीख को आ रहा है, उसी के बारे में साहिद आप सोचा क्या लिखूं क्या लिखूं, तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। हाँ हाँ बताए 27 चाय समोसे पड़े हुए ये गाने भी एक और गाना लिखा है, आई नो आप मेरे गाना। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कभी के मुंह से सुनेंगे बहुत जल्दी। तानिया इस गाने के बाद यकीन है एक और ऑस्कर आने वाला है हमारी बहन। दो तारीख को क्या है Thank you.
हेलो हेलो और थोड़ा थोड़ा और क्या कर रहा हूँ ये वॉल्यूम कम है थोड़ा सा कर वहाँ पे म्यूजिशियन को नहीं सुन रहा आज की बेस प्रोग्रेस के हिसाब से साउंड का पहले से हेलो यस इज इट गुड नो इट्स गेट Thank you.
so much. Sachin! Sachin bhai! Are Sachin bhai! लाइट है वहाँ पे चेहरे पे सुनील भाई यहाँ पे ओके ओके डन डन नेक्स्ट चलो नेक्स्ट अर्चना जी थोड़ा 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 पीछे कृष्णा भाई यहाँ पे वेट बोल रहे थैंक यू थैंक यू मत बोलो भाई थैंक यू ना रुक पिता ओके कपिल बाजी कपिल बाजी थैंक यू उधर उधर मजा आ रहा है अरे सब भाई तुम लोग बैठ के शुरू कर अरे हटना साइड ओ ये चाइना को नीचे बैठ कौन बोला रे अरे आगे आगे पहले आगे Done. Done. Thank you. Done.